parson's image of the social order unlike the conceptions of marx and weber parson has given a different image of social order because he has the perspective that the social system social organizations and the ancillary organizations in the uh, concept of social system has a prominent role अब टेलकोट पार्सन का जो इमेज है सोशल ऑर्डर का उनका ये ख्याल है कि हर माशरे के अंदर व्हेन देर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस उन organizations का आउटकम क्या होता है ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूशन और जब मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ लेवल पर काम करती हैं तो इसका मतलब ये है कि रिप्रेजेंटेशन भी वेरी करेगी और रिप्रेजेंटेशन का मार्जिन उसका स्कोप जो है वो लार्जर हो जाएगा और जितना ज़्यादा स्कोप लार्जर होगा उतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी और जब माशरे के अंदर स्कोप और मार्जिन ज़्यादा होता है कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है वहाँ लोग अपने मुशरे से सेटिसफाई होते हैं तो इसी तरीके से पार्सन की ये बेसिक फिलॉसफी है कि जो सोशल सिस्टम है उसकी बेस किसी भी माशरे के को इवेल्यूट करने के लिए क्या है वहाँ ये देखा जा सकता है कि वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम कर रही हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रिप्रेजेंटेशन का मेकनिज़म क्या है बिकॉज सोशल ऑर्डर जो है किसी भी सोसाइटी का वहाँ एक और बहुत इम्पॉटेंट एलिमेंट होता है और वो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को अगर अंडरस्टैंड करना है तो यहाँ ये देखना पड़ेगा कि माशरे के अंदर जो तफरीक है या तकसीम है या उसको क्लास सिस्टम का नाम दिया जाए वो किन बेसिस पर है वो कौन से ऐसे पर्सपेक्टिव हैं वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से लोगों के अंदर क्लास सिस्टम एग्जिस्ट करता है और वो क्लास सिस्टम सोशल ऑर्डर को कैसे डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी रखता है क्योंकि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जब कार्ल मार्क्स ने उसको एक्सप्लेन किया तो वो इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर किया जब मैक्स वेबर ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को हाईलाइट किया तो उसका ये ख्याल था कि जो इंडिविजुअल रोल है उसकी बेस पर होता है जब टेलकोड पार्सन ने अपने यहाँ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया विद स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल ऑर्डर तो इनका ये ख्याल था कि हर माशरे के अंदर इंसानों का एक स्पेसिफिक रोल एकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस असाइंड होता है यानी कुछ एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है इनका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का लेकिन उसके अंदर जो एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर है वो ये है कि हर माशरा जो इंसानों पर मुश्तमिल होता है वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके अंदर लोगों की नुमाइंदगी तो होगी लेकिन वो नुमाइंदगी किस बेस पर होगी लोगों की अपनी कैपेबिलिटीज की बेस पर होगी और वो कैपेबिलिटीज ही बेसिकली डिटरमिन करेंगी कि लोगों के अंदर क्लास सिस्टम कहाँ से राइज कर रहा है और किन बेसिस पर राइज कर रहा है क्योंकि अगर माशरे के अंदर जराए के लिहाज से करेगा तो इसका मतलब होगा कि माशरा मुतमिन नहीं है लेकिन अगर लोगों को उनके रोल के अकॉर्डिंग क्लास सिस्टम के साथ लिंक किया जाएगा तो जिसके पास जो रोल होगा इसका मतलब होगा कि उसके पीछे कोई रैशनैलिटी है कोई लॉजिक है क्योंकि अगर लोग प्रोफेशनल हैं पढ़े लिखे हैं या उनका उनका सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी क्लास उन लोगों से मुख्तलफ है जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं स्किल्ड नहीं है या उनकी इनकम कम है अब ये सवाल कि ये तो एक हकीकत है कि जिसके पास जो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लास सिस्टम होगी लेकिन उस क्लास सिस्टम को सोशल ऑर्डर ओवरकम करने के लिए क्या मेकनिज़म इख्तियार करता है और क्या 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 मुशरे के अंदर सोशल ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए जो टेलकोट पार्सन का मेकनिज़म है वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि उनका ये ख्याल है कि हर फर्द के कुछ गोल्स होते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए हर माशरे में एक प्रॉपर सिस्टम है उस सिस्टम को अगर कोई डिस्टर्ब करता है उस सिस्टम के को मैच नहीं करता तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को ओवरकम नहीं किया जा सकता हाँ अगर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हर कोई अपनी बाउंड्री के अंदर काम करता है तो फिर सोशल ऑर्डर प्रॉपरली वर्किंग पोजीशन में रहता है